दर्शक बंधु, ब्रिटेन विदेश मंत्री को जयशंकर एक कड़ा जवाब दि जाएगी। आज कार्यक्रम ए प्रसंग निहाती आलोकपात करने किंतु तापूर्वर क्यों परिप्रेक्षी भारत वैदेशिक मंत्री ब्रिटेन रो विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली को एभली जवाब दबा बाध्य से मध्य एक कथा से मध्य एक प्रसंग को आलोचना करा जिवार आवश्यकता रही। आम समस्त जानचे कि भारत वर्तमान 2023 G20 शिखर सम्मेलन अध्यक्ष पद दायित्व तुलेबापी एमंत वर्ष तमाम विभिन्न प्रकार बैठक जो थी विभिन्न देशर अर्थमंत्री हूँ विदेश मंत्री हूँ बा विभिन्न प्रतिनिधि स्तरीय बैठक आलोचना हवा आरंभ हो परिप्रेक्षी विदेश मंत्री मान एक बैठक नुआ दिल्ली में आरंभ हो G20 विदेश मंत्री मान दुईदिनिया बैठक में अनेक देश तो योगदान कर भारत अध्यक्षतारी G20 विदेश मंत्री बैठक हवा निहाती भारतपाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कारण अण G20 सदस्यों समेत 40 राष्ट्र प्रतिनिधि भारत द्वारा निमंत्रित होती। तेरे विदेश मंत्री बैठक हूँ G20 एक गुरुत्वपूर्ण पर्याय कारण प्रथम यह मंत्रिस्तरीय बैठक हुए तापर विभिन्न बैठक पर सभा शेष जो बैठक अनुष्ठित हुए विभिन्न देशर प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति भली व्यक्ति विशेष माने जोग दे थांती। विश्वर विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंगे बैठक निश्चित मात्रा रे आलोचना हवा को जाउची एवं खास करी एतिपूर्वरु जेमिति आमे सूचना देथिले कि रूस युक्रेन युद्ध G20 विदेश मंत्री मानक बैठक में सबुठारु बड़ प्रसंग हो बोली जो भली भाव आशा करा जाउतला एवं एही संक्रांतीय सूचना मध्य जानिबा को मिलिची। खाद्य शक्ति सुरक्षा सार परिवेश सुरक्षा आतंकवाद विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंगे विदेश मंत्री माने मध्य ए भितरे आलोचना करिबा बोली जना पड़ी। युक्रेन युद्ध किभली विश्व उपरे प्रभाव पकाई एवं विकासशील राष्ट्रगुड़िक चैलेंज सृष्टि करिछि ताहाकु फोकस रे रखी विदेश मंत्री माने आलोचना करिबे बोली जना मध्य पड़ी। तेबे सबुठ बड़ कथा हला कि पूर्वरु अन्य कोनोसी राष्ट्रर G20 अध्यक्षता समय रे इते संख्यक विदेश मंत्री मानक समागम हो नथिला। अमेरिका विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन, रूस विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ, चीन विदेश मंत्री किन ग्यांग, जर्मनी अनालोना बेरबक एवं ब्रिटेन विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली G20 बैठक पर भारत आसी। श्रीलंका बांग्लादेश भली अण G20 राष्ट्र मानक अतिथि रूप से डक एते भीतर हठात ब्रिटेन रो विदेश सचिव को जयशंकर को जो कड़ा जवाब मिली एबे एही प्रसंग रे आलोचना करा जिबा दरकार कारण एही बैठक रे एही प्रसंग हुई एबे अंतरराष्ट्रीय गणमाध्यम रो एक खबर मुख्य खबर रूप से प्रकाश पाई एवं यह पछरे रही BBC रो प्रसंग। ब्रिटेन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन January 17 भारत रो प्रधानमंत्री विरोध में एक डॉक्यूमेंट्री जहाँ को सेतबले एक उद्देश्यमूलक डॉक्यूमेंट्री बोली कह जाय थिला कारण 2002 गुद्रा हिंसाकांड रे जो भली भाव में प्रधानमंत्री संप्रुक्ति रही बोली एक घटना को जन्म दिया जावा पई चेष्टा करा जाय थिला एहा भारतर संप्रभुता अखंडता एवं एक प्रचार प्रचार संस्था भली घटना को पुनर्बार जन्म दिया जाउची बोली चिंता करा जायथिला कारण ए घटना परे परे प्राय सुप्रीम कोर्ट पर्यंत प्रत्येक तदस्थकारी संस्था एवं न्यायालय ए घटना परे प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे सारिचंती। तेणु दीर्घ वर्ष पर अर्थात 2002-2023 हठात एभली डॉक्यूमेंट्री को निर्माण करिवार पछरे कौन उद्देश्य रही एहा को बिरोध प्रश्नवाची थिला किंतु एहा परे परे एही डॉक्यूमेंट्री टी को बैन कर दिया जायथिला। भारत रे BBC रो बैन होबा घटना किछि नुआ नुह 1970 दशक रे इंदिरा गांधी मध्ये BBC को दुई थर बैन करथिले किंतु एबे संप्रति UK पई जो चिंतार कारण हला कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन को UK सरकार पैसा दे थांती एवं एहार मुख्य के हम एक निर्धारित करते सबुठ बड़ कथा हला एहा चाइना एवं रूसिया रे एजावत बैन हवा देखा देची काले भारत रे एहाकु बैन संपूर्ण कर दिया जिवो एने एहाकु
एक भिन्न प्रसंग बा दुई देशर संपर्क सह जोड़ापी चेष्टा मध्य करा जाउछि ब्रिटेन तरफ एवं एही संदर्भ रे वर्तमान हेतुबा G20 सम्मेलन रे यूके रे जो विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली से एही घटना को एक उत्थापन प्रसंग माध्यम रे प्रकाश करथिले। मोटामोटी जदि आमे पूरा खबर को देखिबा ताहले बीबीसी टैक्स सर्वे मामला रे आजि बीबीसी टैक्स सर्वे मामला रे भारत गस्तरे आसीथिबा जेम्स क्लेवरली जेतेबेले एक प्रसंग उत्थापन करथिले भारतर वैदेशिक मंत्री जयशंकर कथबार्ता बेले एवं से कहवाक चाहते कि भारत इतिमध्यरे बीबीसी रो टैक्स सर्वे कार्य को त्वरान्वित करिछि जहां निहाति भावे क्षतिग्रस्त बीबीसी भली एक संस्था पई एहा अनौपचारिक अर्थात एभली घटना हवा कथा नुह किंतु एहार जवाब रे जयशंकर सीधा सळख कहिछन्ति कि भारत रे कार्य करूथुबा समस्त विदेशी संस्था भारतर नियम को मानिबा को बाध्य कारण गत मास रे आमे जेमती देखिबा को पाइथिले कि आयकर विभाग दिल्ली और मुंबई बीबीसी ऑफिस रे जेऊ टैक्स को ने माराथन सर्वे करथिले एहार उद्देश्य रे जेम्स क्लेवरली जयशंकर को बुझेबा पई चाहिथिले कि एभली घटना उभय देशर संपर्क को प्रभावित करिवो कारण ब्रिटेन संसद रे मध्य बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को ने एक रकम आलोचना करा जाइथिला एवं सीधासळख मध्य कहा जाइथिला कि बीबीसी उपरे जेउ भली भाबरे भारतर टैक्स सर्वे कार्य चलीछि एहा को ब्रिटेन सरकार भारत सरकारक सह कथाबार्ता करिवार समय आसीछि किंतु सीधासळख जयशंकर कहिसेंति केवल बीबीसी नो जेउ विदेशी संस्था माने एठी कार्य करचोंति सेमानक पई भारत सरकारक तरफ रु अनेक नियम कानूनर व्यवस्था होईछि सेमाने एही नियम कानून मानिबा को बाध्य जदि बीबीसी कौनसी प्रकार टैक्स रे गंडगोल करछि ताहले एहार भरणा करिबा पई मध्य बीबीसी बाध्य तेणु एभली भावरे ब्रिटेन रो वैदेशिक सचिव जेम्स क्लेवरनिंग को जयशंकर जेऊ भली भावरे भारतर नियम कानून संपर्क रे बुझाइथिले एवं बाध्य बोली कहिथिले एहा वर्तमान अंतरराष्ट्रीय गणमाध्यम रो एक चर्चित प्रसंग बोली धरा जाउछि। ऑडियम क्लिनिक सेंटर फॉर स्पीच एंड हियरिंग एठारे शिशु वयस्क मानकर श्रवण यंत्र वाटरप्रूफ श्रवण यंत्र स्पीच थेरापी और श्रवण परीक्षा उपलब्ध मोबाइल नंबर 8050604137 9337868604। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्म क्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।